हेलो एंड वेलकम दोस्तों, चेम कन्हैया टेक्निक एंड टेक्निकल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसे तीन क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। कहीं तक आपको उसका जवाब पता भी होता है, बट आप उसका जवाब दे नहीं पाते हो। तो वो तीन क्वेश्चन क्या है, चलिए जानते हैं। और उसको जानने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। न्यू अपडेट्स आपको इससे जल्दी मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन, वाई स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री जो रहता है, Y स्क्वायर थ्रेड और अक्मी थ्रेड, ठीक है। लीड स्क्रू में हमेशा जो आप देखते होंगे वो स्क्वायर थ्रेड या एक्मी थ्रेड में रहता है। आखिर वो स्क्वायर थ्रेड या एक्मी थ्रेड ही क्यों रहता है? क्वेश्चन नंबर टू, Y कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन लेथ चक। आप अगर लेथ मशीन देखे हो तो जो लेथ का चक्कर रहता है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, आखिर वो क्यों उसमें दिया हुआ रहता है? क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई मोर स्टेपर मेड ऑन लेथ टेल स्टॉक बैरल। ठीक है, आप देखे होगो कि जो लेथ का टेल स्टॉक होता है, लेथ का टेल स्टॉक में आप देखे होगे मोर स्टेपर बना हुआ रहता है, जिसमें हम लोग रिवॉल्विंग सेंटर या ट्विस्ट ड्रिल लगाते हैं। आखिर उस जगह मोर स्टेपर यानी 3 डिग्री में ही टेपर क्यों काटा हुआ रहता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन था कि लीड स्क्रू ऑफ द लेथ, वाई स्क्वायर थ्रेड और एक्मी थ्रेड, तो इसका कारण यही है कि पहले मैं इसे डेफिनेशन के थ्रू बता देता हूं। ए लीड स्क्रू अल्सो नोन एज ए पावर स्क्रू और ट्रांजेक्शन स्क्रू। लीड स्क्रू को पावर स्क्रू या ट्रांसलेशन स्क्रू के तौर पर भी जाना जाता है और ये हमेशा पावर सप्लाई करता है, जिसे कि पावर सप्लाई करने के लिए हाई ग्रिप एंड हाई डीप की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग भी थ्रेड लगाएंगे या फिर कोई और थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम लोग को क्लियरेंस सही नहीं मिलेगा, ग्रिप सही नहीं मिलेगा और जो उसका डीप रहता है वो भी हम लोग को सही प्रकार से नहीं मिलेगा, जो कि केवल लीड स्क्रू में मिलता है, वो स्क्वायर थ्रेड या एक्मी थ्रेड के द्वारा ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ, इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल्स की जरूरत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लीड स्क्रू से जुड़े बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहां से लिख सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है जो वाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन लेथ चक, तो ये इसका आंसर है कि उसको अप्रोक्सीमेटली ट्रू करने के लिए, जॉब को, जो भी जॉब हम लोग लेथ चक में लगाते हैं उसे हम लोग ट्रू करने से पहले क्या करते हैं कि उसके हिसाब से हम लोग लेथ का जो जोर रहता है, चक का जो जोर रहता है, उसको हम लोग उसके हिसाब से खोलते हैं। एंड क्या देख करके खोलते हैं, उसमें जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ये आप लोग को ध्यान में आता होगा। तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली ट्रू करने के लिए कंसेंट्रिक सर्कल का यूज करते हैं, है ना। इसका आंसर है फॉर अप्रोक्सीमेटली ट्रूइंग। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, वाई मोर स्टेपर मेड ऑन लेथ टेल स्टॉक बैरल। आप देखे होंगे कि टेल स्टॉक का बैरल में मोर स्टेपर बना हुआ रहता है, आखिर ये क्यों बना हुआ रहता है? तो इसका मैं पहले डेफिनेशन के तौर पे बताना चाहूंगा। मशीन टूल ऑपरेटर्स मस्ट टू एबल टू इंस्टॉल और रिमूव टूल बिट क्विकली एंड इजिली। कोई भी ट्विस्ट ड्रिल हो या फिर रिवॉल्विंग सेंटर हो, जिसके पीछे में आप देखे होंगे कि मोर स्टेपर बना हुआ रहता है 3 डिग्री में, उसमें आपने देखा होगा कि मोर स्टेपर जो बना हुआ रहता है उसे हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि वो आराम से फिट हो जाए एंड आराम से निकल जाए और उसमें ग्रिप हम लोग को ज्यादा मिले। तो वो जो है वो केवल मोर स्टेपर से ही मिलता है, इसीलिए हम लोग मोर स्टेपर का यूज करते हैं, क्योंकि वो आराम से लग जाए एंड आराम से रिमूव हो जाए। अगर इसके बारे में भी आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये तीन क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे सुनने में, तो जल्दी जल्दी इसे अपने कॉपी में लिख ले या कॉपी पेस्ट कर ले, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले।
अगर वीडियो खराब लगा हो तो जरूर कमेंट में लिखें क्या क्वेश्चंस अधूरे रह गए या फिर क्या क्वेश्चंस के बारे में आपको जानना है।